नमस्कार दोस्तों, यह सौरभ डॉग चैनल आपका अपना चैनल, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सौरभ वर्मा यूपी वाराणसी से। तो आज हमारे पास तोसा इनू का पपी है और ये लास्ट लीटर का हमारे पास पपी जिसको हमने होल्ड करके रखा था, फीमेल है, सिंगल फीमेल बची हुई है और अभी 3 महीने की पूरी हो गई है। निकालो, तो अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी कोई भी पपी, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, डॉबरमैन हो, लेब्राडोर हो, रॉटविलर हो, जब 2 महीने की उम्र को पार करके 3rd महीने, 4th महीने और 5वें में जाता है तब वो दुबला पतला दिखता है क्योंकि तब वो हाइट गेन कर रहा होता है। तो ये पपी भी अभी आपको थोड़ा सा दुबला पतला भले दिख रहा हो बट ये बच्ची अभी हाइट गेन कर रही है और इसलिए शायद आपको थोड़ी दुबली पतली भले दिख रही हो, बट ये बहुत शानदार जैसे इसके मदर फादर है, हाइट वाइट भी इसका बहुत अच्छा होने वाला है, हेड साइज भी इसका बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात करें स्पेशली इस ब्रीड के ऊपर, तोसा इनू ब्रीड जो है बेसिकली फाइटर डॉग है और ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, बट अगर आप फीमेल रख रहे हैं जो कि ये फीमेल ही है तो फीमेल का अग्रेशन मेल की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी करेगी, ये स्पोर्टी डॉग है, बहुत ज़्यादा खेलना कूदना दौड़ना भागना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये स्मूथ कोट के डॉग है, शॉर्ट कोट के, तो हेयरफॉल की कोई भी दिक्कत इनमें नहीं आनी है, यानी कि बाल झड़ने वाली कोई भी समस्या नहीं होगी। छोटा पपी लेने से मरने जीने और बहुत सारी चीज़ों का समस्या रहता है। इस पपी का पपी डीपी हो चुका है, 7-in-1 लग चुका है, उसका बूस्टर डोज भी हो चुका है, तो बहुत सेफ एंड साउंड जोन में है ये पपी। अभी ग्रोइंग एज में है और बहुत बढ़िया, मतलब इसका सुसु पॉटी ट्रेंड हो चुकी है, घर में सुसु पॉटी नहीं करती है, बहुत खेलती है, बड़ी मिलनसार है। इस ब्रीड को रखने की खासियत मैं आपको बताऊं, आपने 4 जर्मन शेफर्ड पाला और 1 तोसा इनू पाला बराबर है, आपने 4 रॉटविलर पाला, 1 तोसा इनू पाला बराबर है। ये बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बॉडी वेट की अगर हम बात करें, मेल का बॉडी वेट 100 से 110 kg तक जा सकता है अच्छे खान पान के साथ, उसी अनुपात में फीमेल का बॉडी वेट 70-75-80 kg तक जा सकता है। जो इसकी मम्मी है कोको की बॉडी वेट अभी अप्रॉक्स 70-72 kg है गर्मी के दिनों में, जाड़ों में आप आराम से कोको को 75-80-82 kg तक होता हुआ देख सकते हैं। और हम इसके मदर फादर की भी वीडियो साथ में अटैच कर देंगे ताकि आप मदर फादर को भी देख लें, टेसेंट को सबने देखा है। अभी हमारे पास एक और नया मेल स्टड रेडी हो रहा है, ब्रॉक नाम है इसका। ना गिरना नहीं। क्या देखो खेलने के मूड में आ गई ना, बैठ जाओ। तो बहुत 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 सुंदर, बहुत बढ़िया पपी है। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि इस पपी को हमने रखा हुआ था इसलिए कि हम एक फीमेल और बढ़ा करेंगे, तो फिर एक रॉटविलर आ गई विकास भाई के यहाँ, तो जगह खत्म हो गया, तो अब इसको सेल करना है। तो अब आप सोचिए कि जब हमने चूज करके रखा था सारे बच्चों में तो सबसे अच्छा वाला रखा होगा, तो उनमें ये सबसे ज्यादा नॉटी, सबसे शरारती, आज तक टचवुड कभी बीमार नहीं हुई है, बहुत सुंदर और सबसे डार्क कलर वाला पपी। आप देखिए सबसे गहरा रंग है। आज तक आपने जितने भी हमारे तोसा के वीडियोस देखे हैं, जैसे हमने ब्रॉक को चूज किया सारे बच्चों में सबसे, मतलब कहते हैं ना अपने बनारसी भाषा में, एकदम जबरदस्त कंटाप माल, तो वैसे ही ये भी बहुत ही सुंदर थी अपने सारे भाई बहनों में, सबसे डार्क है अभी से, तो बड़े होके इसकी डार्कनेस और ज्यादा खिल के आएगी, और ज्यादा बढ़िया। हेड साइज की बात करें तो 3 महीने के हिसाब से इसका हेड साइज काफी अच्छा है, इतना बड़ा हेड है मेरे एक पंजे के हिसाब से। मजल भी इसका शॉर्ट है, गर्मियों के दिनों में आपको पता होता है कि थोड़ा सा मजल बॉडी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता है क्योंकि ये लोग डाइट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बट फिर भी हम दही, रॉयल कैनिन, चिकन, जितनी चीज़ें हो रही हैं हम इसको एज मच एज दे रहे हैं। आप देखिए कहीं से हड्डियां नहीं दिख रही हैं, इसकी टेल भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी दुम है, मोटी दुम है, गिर जाओगी तो बस ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी व्यूवर्स तोसा इनू के इस 3 मंथ ओल्ड पपी को लेना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और फोन करके बस इसको ले जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा बुक कराइए, बुक कराने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ही पपी है और एक वीडियो डालते ही हजारों लोगों का कॉल आने लगता है और हजारों जगहों पे ये होने भी लगेगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि ये वाली फीमेल हमारी आपको कैसी लगी। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।